अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं वापस आ गया हूँ। जी, तो बर्ड्स की अपडेट के लिए ये है कि अभी शेड, क्योंकि मैं मुझे याद नहीं पड़ रहा कि इस शेड में, इस घर में मैंने कोई वीडियो बनाई है। बहरहाल ये है कि घर शिफ्ट किया था उसकी वजह से, और काफ़ी वीडियोस काफ़ी टाइम से नहीं बना रहा हूँ, और शेड की हालत भी बहुत बुरी हुई है। पिंजरे अभी तो कुछ ये पीछे पड़े हुए खुले हुए, जो कि अभी सेट नहीं किए। फिर पूरे शेड में एक तो मुर्गियाँ छोड़ी हुई थी असील, उनकी वजह से काफ़ी हद तक मेरा शेड की तबाही उतरी हुई है। तो साथ ही अभी एक हैन आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ बैठ के अंडे देती है। आई डोंट नो अभी दिया है कि नहीं। हाँ बिल्कुल जी, अंडा दिया हुआ इसने, ये देखें। तो थोड़ी देर बाद ये खुद ही उड़ जाएगी यहाँ से। अच्छा, तो आज बेसिकली मैं आपको बताने वाला था कि अभी कुछ बर्ड्स अंदर पड़े हुए हैं, मैं विज़िट करवाऊँगा वहाँ पे आपका एग्ज़िबिशन और होगो और इस तरह के, मतलब जो वर्किंग के बर्ड है। तो ये हमारे मिस्टर कोडी, हे कोडी से हाय। हे कोडी, 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 बदतमीज़, ये अपनी मर्ज़ी से बोलता है। सो कोडी को काफ़ी लोग जानते होंगे हमारे चैनल पे। तो आज का टॉपिक कुछ ख़ास नहीं है, वैसे इंट्रोडक्शन अपना, वापस से आना और इस तरह से। तो आप देख रहे होंगे कि कोडी वगैरह के पिंजरे में सिर्फ ये 3 कॉकटेल्स हैं, एक एग्जीबिशन की हैन है। हैन चेक करें आप, फ्लाई नहीं है हैन की, बट हैन बहुत क्वालिटी में अच्छी है। सो सफाई बहुत ज़्यादा होने वाली है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, आप नज़र देख रहे होंगे कि इसमें 2 चूज़े घूम रहे हैं। तो इन चूज़ों की क्या स्टोरी है, कहाँ से आए हैं, क्या प्लान है इनका आगे का। तो व्यूअर्स, ऐसा था कि मेरा भाई जो है वो यहाँ से, मतलब कि ट्रैवल कर रहा था, तो मोटरवे पे, आपको शायद पता होगा कि मोटरवे से अक्सर वो चूज़ों के ट्रक और मतलब इनकी जो डिलीवरी होती है, मतलब जो यहाँ से वहाँ इनको लेकर जाते हैं फार्म हाउसेस से, और इनकी जो हैचरीज होती हैं वहाँ से सेल के लिए या वेरियस प्लेसेस पे लेकर जाते हैं। तो वहाँ पे ये जनाब, ये एक चूज़ा जो कि ट्रक के टायर में आने वाला था, ये येलो वाला जो फार्मी चूज़ है, दूसरा वाला देसी है, ये फार्मी चूज़ है। लेट मी जस्ट कैच इट। ओ माशाल्लाह। तो ये चूज़ा सड़क पे पाया मिला हमें, जिसकी तबीयत उस टाइम पे कुछ नासाज थी, और माशाल्लाह छोटे भाई ने इसको पकड़ा, वहाँ से उठाया, गाड़ी की डिग्गी में रखा, और वहाँ से ये घर तक का ट्रैवल करके आए, और लाते ही हमने इसको दूसरे अलहदा केज में छोड़ा था वहाँ पे। बट वहाँ धूप पड़ती थी डायरेक्ट, तो कोडी के साथ रख दिया, मतलब कोडी और मजीद ये इसमें जो येलो कॉकटेल है, तो माशाल्लाह बड़ा हेल्दी है। इवन इसके साथ फिर दूसरा चूज़ा उसी दिन लेकर आ गए हम, छोटा भाई लेकर आया बेसिकली, वो जो दूसरा देसी चूज़ा आपको नज़र आ रहा है, तो दूसरा चूज़ा भी उसी दिन ही लेकर आ गए, ताकि जो इसको अकेलेपन का एहसास ना हो। तो माशाल्लाह इसको ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया, और ये काफ़ी अच्छी ग्रो कर रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, और इसको मतलब यहाँ पे रहने में कोई मसला नहीं है। कोडी भी इनके साथ खेलता है, और जो दूसरा चूज़ है वो बहुत छोटा था उस टाइम पे जब लेकर आए, तो अब माशाल्लाह वो भी खूबसूरत हो गया। बट देखें क्या बनता है, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे कि मतलब बड़े हो जाएं जल्दी जल्दी से। इसके साथ साथ जी, असील का शौक अगर मेरे व्यूअर्स कोई करते हैं, तो ये असील का पठा है हीरा, जो कि मेरे घर में चूज़ा था, चूज़े मैंने पाले थे, 3 बचे थे, तो 2 मैंने ये बर्ड दे दिए थे। तो अब माशाल्लाह ये 1 मेरे पास तैयार हो चुका है, अभी कील वगैरह छोटे हैं, टुके हैं, तो इंशाल्लाह तकरीबन 1 साल का हो गया। तो साथ बहुत सारी असील हैंस मेरे पास अवेलेबल हैं, अगर किसी को असील हैन चाहिए हो, ख़रीदना चाहता हो, तो नंबर मैं अपना दे दूंगा, ये चेक करें मुर्गी, किसी को अगर इनका शौक और इसके आइडिया हो
तो बेहतरीन मुर्गी जनाब ये देखें, बहुत प्यारी मुर्गी है, पुरानी असील है और बड़ी खूबसूरत मुर्गी है। और ये आप चेक करें जी, मेरे घर में ही बच्चा ये निकला था, बहुत प्यारा फेस और माशाल्लाह बहुत प्यारी फीमेल है। तो अभी खैर अंडा दिया हुआ इसने, अंडे माशाल्लाह इसकी क्वालिटी है, डेली देती है, रोज़ बिला नागा अंडा देती है, शाबाश। मैं अंडा बेसिकली इसका निकालने लगा हूँ, आई एम सॉरी जी, अंडा मैंने निकाल लिया, ताकि होता ये है कि ये तो निकल जाएगी, बट कई बार ऐसा होता है कि अंडा पड़ा पड़ा कोई और आके बैठेगी या हिलजुल से अंडा टूट जाता है, तो अंडा फ़िलहाल मैंने निकाल लिया और अंडा इसी मुर्गे के साथ दे रही है, ये जो असील हीरा मुर्गा इसके साथ। तो व्यूअर्स, आज का मेरे ख्याल से टॉपिक कुछ था नहीं, तो वैसे ही बस चिट चैट करने के लिए मैंने वीडियो बनाई। तो इंशाल्लाह जब सेटअप एक बार थोड़ा सा अच्छा कर लूँगा, साफ़ सुथरा कर लूँगा, अभी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मैस और गंद है। बर्ड जो दूसरे हैं, तोते जो हैं, वो यहाँ से सामने, वो आपको शायद कुछ साइड से पिंजरे नज़र आ रहे होंगे, वहाँ रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह जब यहाँ शिफ्ट करूँगा, कूलर शूलर अभी मैंने लगा दिया, पानी नहीं चल रहा बगैर पानी के, और वो ग्रीन शेड जो है बाहर लगी हुई है धूप की वजह से, तो आहिस्ता 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 इंशाल्लाह थोड़ा सा बेहतर करूँगा, तो फिर वीडियोस चलती रहेंगी अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह खैर रखे, तो दुआओं में याद रखें, अपने और अपने बर्ड्स का ध्यान रखें, और इन छोटे मोटे छोटी 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 चूज़ों के लिए ना बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि ये मेरे पास पल जाएँ, क्योंकि ये मदर इनके साथ नहीं है, तो गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में वैसे चूज़ा पल जाता है, अभी गर्मी का स्टार्ट है, मार्च है, तो गर्मी में पल जाता है चूज़ा, बट फिर भी ओके, अल्लाह हाफिज़।